मेरे बच्चों ने मुझे सरप्राइज दिया क्योंकि मेरा बर्थडे है, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं आज उनको कुछ सरप्राइज दूँ। सो मैं आज उनके लिए बना रही हूँ चिकन टिक्का राइस। सबसे पहले मैंने आधा किलो चिकन लिया है और मैं इसको मैरिनेट करूँगी। मैरिनेशन के लिए मैंने रखा है यहाँ पर गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट, लेमन जूस, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और साथ में धनिया पाउडर, और साथ में थोड़ा सा ऑरेंज कलर है मेरे पास, प्लस मैं इसमें थोड़ा सा बेसन डालूंगी और थोड़ा सा मैदा डालूंगी। अब इन सब चीज़ों को मैं इसमें ऐड करूँ। मैंने सोक करके रखे थे एक घंटे के लिए, मैं उसको इसमें ऐड कर दूंगी। जब ये राइस 70% कुक हो जाएंगे, फिर मैं इसके अंदर ये जो ऑरेंज कलर मैंने घोला हुआ है, मैं ये इसके अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पे डाल दूंगी। बटर में मैं थोड़ी सी लाल मिर्च, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आपको जैसा तीखा पसंद है आप ज्यादा मिर्च ले सकते हो, आपको कब तीखा पसंद है तो आप कम मिर्च ले सकते हो, तो मैं थोड़ी सी लाल मिर्च ले लेती हूँ। फिर इसमें जो ये मैंने चिकन मैरिनेट किया था, फिर मैं वो इसमें डाल देती हूँ। थोड़ी देर हाई पे करके फिर थोड़ी देर सिम पे इसको पकने के लिए रख दे। वाओ, कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है इसमें से। अब इसका सारा पानी हम सुखा लेंगे, इसको बिल्कुल रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल ड्राई। अब हम इसमें थोड़ा सा चिकन मसाला ऐड कर लेंगे। हमारा टिक्का अब तैयार हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो चुका है हमारा टिक्का। अब इसको हम एक साइड पे रखेंगे। एक पैन में हम 2 टेबलस्पून देसी घी लेंगे, फिर हम उसमें ये सूखे मसाले ऐड करेंगे।
इसमें मैं डाल दूंगी पहले धनिया मसाला, फिर मोटी इलायची पाउडर, दालचीनी पाउडर, भुना जीरा, थोड़ा सा जिंजर पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा चिकन मसाला। अब हम स्लो पे इसको थोड़ा सा भून लेंगे इन मसालों। अब ये जो ऑनियन मैंने पहले फ्राई करके रखे हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब ये चिकन ऐड कर दूंगी इसमें। और ये जो राइस मैंने बनाए थे मैं वो ऐड कर दूंगी इसके अंदर। अब इसको अच्छे से हिला लें। अब ये टिक्का राइस हमारे तैयार हैं। लेट मी टेस्ट। Amazing!